उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में रेलवे ट्रैक पर भूस्खलन, लैंडस्लाइड के चलते पटरी से उतरी मालगाड़ी, ट्रेन का इंजन और एक बोगी डीरेल, राहत और बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात दौरे का दूसरा दिन गांधीनगर के महात्मा मंदिर में री इन्वेस्ट 2024 सम्मेलन के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया है। इस सम्मेलन में जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और नॉर्वे जैसे देश हिस्सा ले रहे हैं। रेलवे ने वंदे मेट्रो का नाम बदलकर नमो भारत रैपिड रेल रखा। आज देश की पहली रैपिड रेल सर्विस को पीएम दिखाएंगे हरी झंडी। अहमदाबाद से भुज तक ट्रेन पटरी पर दौड़ने के लिए तैयार। नीतीश सरकार पर तेजस्वी यादव ने लगाए गंभीर आरोप, जासूसी कराने का आरोप लगाया है। कहा पार्टी के इंटरनल बैठक में सरकार मेरी निगरानी करवा रही है। बयान के बाद सियासी पारा चढ़ा। तेजस्वी के आरोपों को जेडीयू ने खारिज किया। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में संजय झा ने कहा बिहार सरकार ने कभी किसी की जासूसी नहीं करवाई। तेजस्वी को ऐसे बयानों से बचने की नसीहत दी। केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू का विवादास्पद बयान, राहुल गांधी को बताया देश का नंबर वन आतंकवादी, बोले देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं, एजेंसियों को उन पर नजर रखनी चाहिए। रवनीत बिट्टू के बयान पर कांग्रेस आग बबूला, कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी बिट्टू को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग उठा रही। देश में जल्द करवाई जाए जातीय जनगणना, सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, लेकिन जाति संबंधित कॉलम शामिल करने पर अभी फैसला नहीं लिया। सूत्रों के हवाले से खबर, एनडीए सरकार इसी कार्यकाल में एक देश एक चुनाव पर फैसला ले सकती है। सभी दलों के समर्थन की सरकार को उम्मीद है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण का आज प्रचार थम जाएगा। 18 सितंबर को 24 सीट पर डाले जाएंगे वोट, 8 अक्टूबर को होगी वोटों की गिनती। गृहमंत्री अमित शाह का आज जम्मू कश्मीर दौरा, प्रचार के आखिरी दिन रामबन, किश्तवाड़, पडेर में 3 रैलियों को करेंगे संबोधित। सांसद इंजीनियर रशीद की पार्टी ने जम्मू कश्मीर में जमात इस्लामी के पूर्व सदस्यों से गठबंधन कर लिया है। दोनों ने एक दूसरे को समर्थन देने का ऐलान किया है। जमात इस्लामी के साथ गठबंधन पर बोले बारामूला के सांसद इंजीनियर रशीद, कहा जमीनी हालात को देखकर फैसला लिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी दोनों ने लोगों को धोखा दिया। नांदेड़ में देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने की मांग, बीजेपी समर्थकों ने पोस्टर लगा दिए। कल बारामती में अजीत पवार के भावी मुख्यमंत्री वाले पोस्टर लगाए गए। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया कल केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा देंगे, जिसके फौरन बाद होगी विधायक दल की बैठक, हफ्ते भर में पूरी प्रक्रिया हो जाएगी। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद मंत्री आतिशी, सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत का नाम सीएम पद की रेस में शामिल है। सूत्रों के हवाले से खबर, आज शाम आम आदमी पार्टी की पीएसी की बैठक में तय हो सकता है फाइनल नाम। सीएम पद की रेस में कैबिनेट मंत्री आतिशी का नाम सबसे आगे, केजरीवाल की सबसे भरोसेमंद मानी जाती है आतिशी। मौजूदा व्यवस्था में कई विभागों का काम देख रही है आतिशी। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी का बीजेपी पर वार, बोली आम आदमी पार्टी को परेशान करने में बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी, दिल्ली की सभी 70 सीट जीतने का दावा किया। अरविंद केजरीवाल के सीएम पद छोड़ने के फैसले पर अन्ना हजारे बोले, उन्होंने केजरीवाल से पहले ही कहा था राजनीति में मत जाओ, लेकिन बात नहीं मानी। लखीमपुर खीरी के दर्जनों गांव बाढ़ से बेहाल हैं। बसहा गांव में मार्मिक तस्वीर सामने आई है, बुजुर्ग का शव नाव पर लाद कर ले गए परिजन, 3 किलोमीटर दूर जाकर अंतिम संस्कार किया गया। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में खतरे के निशान के ऊपर बह रही है गंगा नदी, निचले इलाकों में पहुंचा गंगा का पानी, लोगों में दहशत का माहौल है, पहाड़ी इलाकों से लगातार पानी आ रहा है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सरयू नदी का लगातार बढ़ रहा है पानी, खतरे के निशान के पार बह रही है सरयू नदी, पहाड़ी इलाके और नेपाल के रास्ते पानी आने से लगातार बढ़ रहा है खतरा।
पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में भारी बारिश से परेशानी बढ़ गई है। सुंदरबन इलाके में हुई मूसलाधार बारिश से नदियों में उफान है। नदी किनारे बसे लोगों को सावधानी बरतने की सलाह। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारी लैंडस्लाइड हो गया। खराब मौसम में दरक रहे पहाड़, पहाड़ से तेजी से गिर रहा है मलबा। पीलीभीत से आई डराने वाली तस्वीर, बाढ़ के पानी में बहते दिखाई दिए बाइक सवार, पास के लोगों ने बचाई डूबते लोगों की जान, पानी की लहरों में फंस गए थे बाइक सवार। मेरठ में बारिश की वजह से गिरी दो मंजिला इमारत, मकान के मलबे में दबे एक बच्चे और मवेशी को बचा लिया गया है। थाना परीक्षितगढ़ क्षेत्र के आलमगीरपुर गांव का ये पूरा मामला। मध्य प्रदेश के बालाघाट में नक्सलियों के मंसूबों पर पुलिस ने पानी फेर दिया। पुलिस ने एक गड्ढे से आईडी बनाने का सामान बरामद किया। 8 किलो लोहे के स्प्लिंटर्स समेत कई इलेक्ट्रिक स्विच जब्त किए गए। राजस्थान के शाहपुरा में पत्थरबाजी की घटना के विरोध में मस्जिद के पास प्रदर्शन, धार्मिक जुलूस के दौरान मस्जिद से फेंके गए थे पत्थर। बरेली में बारह वफात के जुलूस के दौरान हंगामा हो गया, दो समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। पुराने विवाद के चलते एक पक्ष के लोगों ने रास्ता रोका, फिलहाल काबू में है हालात। कर्नाटक के बेलगाम में बड़ा हादसा, आपस में टकरा गई 8 गाड़ियां, हादसे में 2 बाइक सवार 2 कार सवार मौत हो गई, 6 लोग गंभीर रूप से घायल। महाराष्ट्र के लातूर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार टाटा सुमो खड़े ट्रक से जाकर टकरा गई, हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, मृतकों में 2 महिलाएं 1 बच्ची शामिल। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में पार्षद पति की धमकी के बाद एएसआई ने बैठक में वर्दी उतार दी। पार्षद पति ने एएसआई को वर्दी उतरवाने की धमकी दी थी, 8 महीने पहले का बताया जा रहा सीसीटीवी फुटेज। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में वर्दी उतारने वाले मामले में कांग्रेस का ट्वीट, कहा सत्ता की हनक के चलते एक एएसआई को वर्दी तक उतारनी पड़ी। प्रदेश में अपराधी बेखौफ हैं, पुलिस लाचार है। सीएम योगी और सीएम माणिकसा त्रिपुरा में सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इस मंदिर का प्रबंधन शांतिकाली आश्रम के पास होगा। आज से 2 दिन के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वाराणसी दौरा है। टूरिज्म परियोजनाओं का निरीक्षण करेंगे। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर स्वच्छता सेवा पखवाड़ा का शुभारंभ करेंगे। राजस्थान के अलवर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, बोले हिंदू समाज देश का कर्ता धर्ता, सब कुछ सहने को तैयार, सबकी भलाई चाहता है हिंदू और सबको गले लगाता है। पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने अटल विचार मंच नाम के राजनीतिक पार्टी का गठन किया है। झारखंड की सभी 81 सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। महाराष्ट्र के जालना में मराठा आरक्षण को लेकर आज से मनोज जरांगे का अनिश्चितकालीन अनशन, मराठा समुदाय को ओबीसी में शामिल करने की मांग।